हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केवी टेक। तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपको जेईई मेंस 2024 का रिजल्ट तो आ गया है। तो जेईई मेंस 2024 का टॉपर कौन है, ऑल इंडिया रैंक 1 से 10 कौन है, कितनों ने जो है 100% स्कोर किया है, कौन कहाँ से है, किस इंस्टीट्यूट से है, सारी बातें जो है इस वीडियो में डिटेल में करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में इन तक बने रहेगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए टाइम टाइम लेकर के आ रहा हूं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम लेस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखिए, जेईई मेंस 2024 का मैं टॉपर लिस्ट आपको देने जा रहा हूं, ऑल इंडिया रैंक 1 से 10 का। बात करें कि आपको 100 NTA स्कोर जो है वो 100 कितने बच्चों ने किया है, तो 56 बच्चों ने 2024 के एग्जाम में, जेईई मेंस 2024 के एग्जाम में 56 बच्चों ने NTA स्कोर 100 किया है, यानी 100 NTA स्कोर करने वाले बच्चे की संख्या जो है इस बार 56 है। तो इस बार बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ गया, पहले इतना नहीं हुआ करता था। प्रीवियस ईयर की बात करें तो इतना नहीं था, 23 में इतना नहीं था, 22 में इतना नहीं था, लेकिन इतना ज़्यादा हो गया है जो है सो आपको 2024 के अंदर में। अब देखिए, हम आपको बात करेंगे कि कौन से कैंडिडेट है, किस स्टेट से है, और उन्होंने 100% स्कोर तो किया ही है, और किस कोचिंग से है, और उनका ऑल इंडिया रैंक क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल इंडिया रैंक 1 की। तो आपका ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो है गजरे नीलकृष्ण निर्मल कुमार, ये महाराष्ट्र से है बच्चा, और इसका जो है 100 NTA स्कोर है। और कोचिंग की बात करें तो एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा का ही बच्चा है, तो यानी कि कोटा ने इस बार भी परचम अपना लहरा दिया है, और रैंक 1 एलन से आपका आ चुका है रैंक 1। अब देखिए रैंक 2 की बात करें तो रैंक 2 जो है वो है दक्षेश संजय मिश्रा का, ये भी बच्चा महाराष्ट्र से ही है, और जो है इसका NTA स्कोर ये 100 है, और ये भी बच्चा आपको एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा से है, और रैंक 2 यानी कि 2, 1 और 2 पे जो है सो कोटा ने परचम लहरा दिया, और उसमें भी एलन कैरियर इंस्टीट्यूट ने जो है सो अपना दबदबा फिर से कायम रखा है, 1 रैंक 1 और रैंक 2 जो है सो एलन की है। अब रैंक 3 की बात करें, रैंक 3 जो है वो है आरव भट्ट हरियाणा से है बच्चा, और इसके स्कोर की बात करें तो 100 स्कोर है, और इसका जो इंस्टीट्यूट है वो है फिटजी दिल्ली, यानी कि फिटजी ने भी अपना परचम लहराया, दिल्ली को भी नाम अपना जो है सो बरकरार रखा, और इन्होंने रैंक 3 प्रोड्यूस किया। फिटजी का नाम आप लोग भी जानते हैं जेई के लिए कितना ज़्यादा है, इंजीनियरिंग वालों के लिए कितना ज़्यादा है, तो रैंक 3 जो है सो आपको फिटजी से आ चुका है। रैंक 4 की बात करें तो रैंक 4 जो है सो है आदित्य कुमार, जो कि राजस्थान से है, और इसकी 100 स्कोर है, NTA स्कोर 100 है, और ये भी बच्चा एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा से है, यानी कि 3-3 रैंक जो है सो एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा ने दे रखा है, वो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 4, रैंक 3 जो है सो फिटजी है। अब हम बात करते हैं रैंक 5 की। रैंक 5 जो है हुंदेकर वीर, ये बच्चा तेलंगाना से है, और इसका NTA स्कोर 100 है, और इसका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो है नारायणा, यानी नारायणा कोचिंग इंस्टीट्यूट ने भी जो है सो अपना परचम, जिस तरह से उनका ये रहता है रिजल्ट के लिए, उन्होंने जो है सो अपना रिजल्ट दबदबा पकड़ा रखा है, और उनका भी रिजल्ट जो है सो रैंक 5 है नारायणा का। उसके बाद बात करें हम रैंक 6, रैंक 6 जो है वो है मुथुवरप्पू अनूप, ये जो है सो बच्चा तेलंगाना से है, और इसका जो है सो NTA स्कोर 100 है, और ये भी बच्चा नारायणा से ही, यानी कि नारायणा का ये जो है सो रिजल्ट नारायणा का ही रहा रैंक 6। अब हम बात करें रैंक 7 की, तो रैंक 7 जो है वेंकटा साई तेजा मेडिनी, ये बच्चा तेलंगाना से है, और इसने भी NTA स्कोर 100 किया है, और ये भी बच्चा जो है सो आपको नारायणा का है, यानी कि रैंक 7 भी जो है नारायणा के नाम। रैंक 8 की बात करें तो रैंक 8 जो है वो है चिंटू सतीश कुमार, और ये बच्चा आंध्र प्रदेश से, और इसका परसेंटाइल स्कोर की बात करें NTA स्कोर की, तो NTA स्कोर जो है वो है 100 NTA स्कोर है, और ये बच्चा नारायणा से, यानी नारायणा का जो है सब तक 4 रिजल्ट हो चुका है 8 रैंक तक में। अब हम बात करते हैं ऑल इंडिया रैंक 9 की, तो ऑल इंडिया रैंक 9 जो है वो है रेड्डी अनिल, और ये बच्चा जो है सो तेलंगाना से ही है, और इसका जो है सो 100 NTA स्कोर है, और ये इसका इंस्टीट्यूट की बात करें तो श्री चैतन्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी चैतन्या जो है सो ऑल इंडिया रैंक 9 पे आ चुका है, चैतन्या का भी रिजल्ट अच्छा खासा आता है, तो चैतन्या ने भी जो है इस बार ऑल इंडिया रैंक 9 दिया है जेईई 2024 में। रैंक 10 की बात करें तो रैंक 10 जो है आर्यन प्रकाश, ये बच्चा महाराष्ट्र से है, और इसका जो है सो NTA स्कोर की बात करें तो ये है आपको 100, और ये भी बच्चा जो है सो नारायणा से है, यानी नारायणा का जो है सो ये ऑल इंडिया रैंक 10 भी नारायणा के नाम हुआ। मतलब ऑल ओवर बात करें तो आपको ऑल इंडिया रैंक 10 तक में 3 बच्चा जो है सो एलन से, 1 बच्चा फिटजी से, 5 बच्चे जो है सो नारायणा से, और 1 बच्चे जो है सो चैतन्या से, यानी 5 नारायणा
5 और 3 जो है सो एलन 8 और 1 फिटजी और 1 जो है सो चैतन्या, यानी 10 बच जो है सो टोटल ऑल इंडिया रैंक तक का बता दिया। और देखिए एक बच्चा ऐसा भी है जिसके बारे में स्कैम का ये आ रहा है, और उस बच्चा का नाम है आपको केशम चन्ना बसावा रेड्डी, केशम चन्ना बसावा रेड्डी। और इसके बारे में क्या बताया जा रहा है, इसका रियल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि इसने जो है सेशन 1 में तो मात्र 7% स्कोर किया है, लेकिन सेशन 2 में 100% स्कोर किया है। ये स्कैम है या फ्रॉड है, आप इसका रियल देख लीजिए। इसका जो है सारा चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, आप खुद से भी चेक करके देख सकते हैं कि इस बच्चे की जो है क्या ये ऑल इंडिया रैंक 14 जो है इसका NTA की जो पब्लिक नोटिस जारी की गई प्रेस रिलीज उसमें दी गई है, और इसका जो है सो 100% सेशन 2 में दिखाया गया है, और 100% के आधार पर इसका जो है सो ऑल इंडिया रैंक 14 बना है। लेकिन इस बच्चे की सेशन 1 में मात्र 7% स्कोर थी। तो ये फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है, क्या हुआ है, ये आप जैसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए इस वीडियो में जैसे मैंने आपको JEE Mains 2024 का ऑल इंडिया रैंक 1 to 10 की कौन बच्चे कहाँ से हैं, किस इंस्टीट्यूट से हैं, कितना स्कोर किया है, सारी चीज़ें पूरे डिटेल में बता दिया। फिर भी अगर आपको कुछ जानना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और सोशल मीडिया की साइट की लिंक दी हुई वहाँ जाकर DM करके पूछ सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के। ऑल द बेस्ट।